ईश्वर और अग्नि के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। राजन्तमित्यस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दः ऋषिः अग्निर्देवता गायत्री छन्दः षड्जः स्वरः। ॐ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवं वर्धमानागं स्वेदमे। परमेश्वर आदि रहित सत्य कारण रूप से संपूर्ण कार्यों को रचता है और इस भौतिक अग्नि का उत्पन्न करने वाला भी वही है। इस भौतिक अग्नि और भौतिक जल की प्राप्ति के द्वारा सृष्टि के व्यवहारों को सिद्ध करता है, ऐसा मनुष्यों को जानना चाहिए। हम लोग बुद्धि व कर्म से अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ का आयोजन करें, जिससे पृथ्वी आदि की रक्षा हो। चक्रवर्ती राज्य में ही मनुष्य लोग अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पुरुषार्थ से सब उत्तम सुखों को निर्भय होकर भोगते हैं और भोगों से तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होने का अवसर प्राप्त करते हैं। जिस परमात्मा ने शिल्प विद्या साध्य यज्ञ व पशु आदि की रक्षा करने वाला प्रकाशमान अग्नि को उत्पन्न किया है, वह अग्नि अपने शांत स्वरूप में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। उस अग्नि को नमन करते हुए हम लोग बुद्धि और कर्म से नित्य उसकी उपासना करते हैं। अब अगले मंत्र में ईश्वर ही का उपदेश किया है।